हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल गौतम स्टडी अड्डा पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज तारीख है 11 सितंबर 2020। तो चलिए 11 सितंबर 2020 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं आज देख लेते हैं। और दोस्तों इस करंट अफेयर्स में आपको क्वेश्चन और आंसर के साथ साथ जो भी ऑप्शन होगा उसका मैं सारा डिटेल आपको एक एक करके दूंगा। दोस्तों इस वीडियो में आपको स्टैटिक जीके भी बहुत सारा क्लियर हो जाएगा दोस्तों, जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक दिया होगा, वहां जाकर के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, या तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर एक देखते हैं। हाल ही में कर्मचारी भविष्य निधि के केंद्रीय न्यासी बोर्ड की 227वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संतोष कुमार गंगवार ने की है। दोस्तों केंद्रीय न्यासी बोर्ड की 227वीं बैठक की अध्यक्षता। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। श्रम एवं रोजगार मंत्री हैं दोस्तों संतोष कुमार गंगवार ने कर्मचारी भविष्य निधि के केंद्रीय न्यासी बोर्ड की 227वीं बैठक की अध्यक्षता की। कर्मचारियों की डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम 1976 को भी 7 लाख रुपए तक अधिकतम सुनिश्चित लाभ के साथ संशोधित किया गया। निर्मला सीतारमण जो कि हमारे वित्त मंत्री हैं, अर्जुन मुंडा जनजातीय मामलों के मंत्री हैं, और नरेंद्र मोदी जो कि हमारे प्रधानमंत्री हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, टाइम्स के द्वारा जारी टेलीविजन इंडस्ट्री की मोस्ट डिजायरेबल वुमन की लिस्ट में किस एक्ट्रेस को पहला स्थान यानी शीर्ष स्थान मिला है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी हिना खान। दोस्तों ये देखिए आपके सामने है हिना खान, जिन्हें टेलीविजन इंडस्ट्री की मोस्ट डिजायरेबल वुमन की लिस्ट में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। दोस्तों चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। और दोस्तों ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। दोस्तों हिना खान लगातार दूसरे वर्ष टॉप पे आए हैं। दोस्तों इस सूची में सबसे ऊपर है। दोस्तों कई सालों तक ये रिश्ता क्या कहलाता है में अक्षरा का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री ने अपने फैशन के खेल में अपना जलवा बिखेरा है और हर बार रेड कारपेट पर कदम रखा है। दोस्तों आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर तीसरा है। आरबीआई के अनुसार जुलाई 2019 से जून 2020 के दौरान अनाधिकृत इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर की किस शहर से सबसे अधिक शिकायतें मिली है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली। दोस्तों नई दिल्ली से सबसे ज्यादा शिकायत मिला है दोस्तों आरबीआई के अनुसार, दोस्तों अनाधिकृत इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के लिए। चलिए दोस्तों आरबीआई के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों इस लोगों के बारे में भी पूछा जाता है, ताड़ के पेड़ के नीचे बाघ। दोस्तों और आरबीआई का गवर्नर है वर्तमान समय में शक्तिकांत दास, जो कि 25वें गवर्नर है। आरबीआई का हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में। आरबीआई का स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में ब्रिटिश राज में। दोस्तों और पहले गवर्नर थे सर ऑसबोर्न स्मिथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर चौथा। दोस्तों क्योंकि ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ध्यान से देखिएगा। छात्रों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है? दोस्तों टोटल 47 शिक्षकों को पुरस्कार दिया गया है शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर, दोस्तों रामनाथ कोविंद जी के द्वारा, जो कि हमारे राष्ट्रपति जी हैं। और दोस्तों किन्हें मिला है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दोस्तों, रूही सुल्ताना। दोस्तों रूही सुल्ताना ये देखिए आपके सामने है, जिन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। शिक्षक दिवस के अवसर पर कश्मीरी शिक्षक रूही सुल्ताना को शिक्षण के प्रति रचनात्मक और अभिनव दृष्टिकोण का प्रदर्शन करने के लिए शिक्षक 2020 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर पांचवा है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ आपूर्ति और सेवाओं के पारस्परिक प्रावधान से संबंधित एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, जापान। दोस्तों भारत ने जापान के साथ समझौता किया है। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं, किस लिए समझौता किया गया है।
दोस्तों भारत और जापान ने भारत के सशस्त्र बलों और जापान के आत्मरक्षा बलों की बीच आपूर्ति और सेवाओं के पारस्परिक प्रावधान से संबंधित एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता भारत और जापान के सशस्त्र बल के बीच अंतर को भी बेहतर करेगा, जिससे दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के तहत द्विपक्षीय रक्षा जुड़ाव बढ़ेगा। चलिए दोस्तों जापान के बारे में जान लेते हैं। जापान जिसका राजधानी है टोक्यो, जापानी येन इसका मुद्रा है, और जापान के प्रधानमंत्री थे दोस्तों शिंजो अबे, जो कि रिटायर कर चुके हैं। अब चलिए अमेरिका देख लेते हैं, जिसका राजधानी है वाशिंगटन डीसी, अमेरिकन डॉलर मुद्रा है, अमेरिका के राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप। चीन जिसका राजधानी है बीजिंग युआन इसका मुद्रा है, और चीन के राष्ट्रपति है शी जिनपिंग। रूस दोस्तों जिसका राजधानी है मॉस्को, रूबल इसका मुद्रा है, और रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन और मिखाइल मिशुस्तिन प्रधानमंत्री हैं। दोस्तों भारत के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है आपके एग्जाम के लिए। निम्न में से किस राज्य की विधानसभा ने राज्य के धरोहर स्थलों की सुरक्षा के लिए विधेयक पारित किया है? ये 100% आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है दोस्तों, और इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी होगा, यानी असम विधानसभा। दोस्तों असम विधानसभा में एक विधेयक पारित किया गया है जिसमें राज्य के धरोहर स्थलों की सुरक्षा किया जाएगा। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। असम विधानसभा राज्य के विभिन्न विरासत स्थलों की सुरक्षा के लिए विधेयक पारित करती है। असम धरोहर मूर्त संरक्षण संरक्षण और रखरखाव विधेयक 2020 राज्य विधानसभा द्वारा मूर्त विरासत की रक्षा संरक्षण और पुनर्स्थापना करने के लिए पारित किया गया था, जो वर्तमान में किसी भी राष्ट्रीय या राज्य कानून के तहत शामिल नहीं है। 31 अगस्त 2020 से शुरू हुए 4 दिवसीय विधानसभा सत्र में विधेयक पारित किया गया था। तो दोस्तों अगर तो चलिए असम के बारे में जान लेते हैं, और एक एक करके सभी राज्यों के बारे में जान लेंगे दोस्तों, केरल, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बारे में भी। तो चलिए दोस्तों ये देख लेते हैं, आपके सामने आ गया असम। दोस्तों असम जिसकी राजधानी है दिसपुर, मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, राज्यपाल है जगदीश मुखी, जिलों की संख्या 27 है, विधानसभा 126 है, लोकसभा 14 है और राज्यसभा 7 है, और उच्च न्यायालय दोस्तों असम का गुवाहाटी में। चलिए केरल देख लेते हैं, जिसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन, राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। दोस्तों उच्च न्यायालय है एर्नाकुलम, और एर्नाकुलम जो है केरल का सबसे ज्यादा साक्षरता दर वाला जिला है दोस्तों, 99.2% साक्षरता दर है एर्नाकुलम का, जो कि भारत का भी साक्षरता दर वाला सबसे ज्यादा जिला है दोस्तों। और केरल जो है सबसे ज्यादा साक्षरता दर वाला राज्य है दोस्तों भारत का। जिलों की संख्या केरल में 14, विधानसभा 140, लोकसभा 20 और राज्यसभा 9 है। अब चलिए पंजाब देख लेते हैं, जिसकी राजधानी चंडीगढ़, मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह, राज्यपाल है बीपी सिंह बदनौर, और जिलों की संख्या 17, विधानसभा 117, लोकसभा 13 और राज्यसभा 7 है। चलिए हिमाचल प्रदेश देख लेते हैं दोस्तों, जिसकी राजधानी है शिमला, अब नया नाम हो गया दोस्तों श्यामला। याद रखिएगा अगर आपको नेम चेंज से भी वीडियो देखना है तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक आपको मिल जाएगा, वहां जाकर आप देख सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय, जिलों की संख्या 12, विधानसभा 68, लोकसभा 4 और राज्यसभा 3 है दोस्तों। अब चलिए अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। शेयर और लाइक करना ना भूले, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। और हाँ, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं जो लोग, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी आएगा, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का सारा नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर चला जाए और आप आराम से वीडियो को देखते जाएं दोस्तों। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, निम्न में से किस देश की सरकार ने हाल ही में कैलेंडर, डायरी और त्योहार ग्रीटिंग कार्ड की छपाई पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, यानी भारत। दोस्तों भारत ने कैलेंडर, डायरी और त्योहार ग्रीटिंग कार्ड पर की छपाई पर प्रतिबंध लगा दिया है। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। सरकार ने सभी मंत्रालयों, विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों जैसे द्वारा कैलेंडर, डायरी और त्योहार ग्रीटिंग कार्ड जैसी सामग्रियों की छपाई पर प्रतिबंध लगा दिया है। वित्त मंत्रालय ने बुधवार को एक ज्ञापन में इस तरह की सामग्री को प्रकाशित करने के लिए सरकार के सभी अंगों को डिजिटल साधनों को अपनाने के लिए कहा।
अब चलिए दोस्तों, अमेरिका के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। ऑस्ट्रेलिया देख लेते हैं, जिसका राजधानी है कैनबरा। ऑस्ट्रेलियन डॉलर मुद्रा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन। और चलिए नेपाल देख लेते हैं, जिसका राजधानी है काठमांडू। नेपालीस रुपया इसका मुद्रा है। और नेपाल के राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी और प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली, यानी खड़गा प्रसाद शर्मा ओली। अब भारत के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां है दोस्तों, हाल ही में वित्त मंत्री द्वारा जारी ईज 2.0 इंडेक्स परिणाम में कौन बैंक शीर्ष पर रहा है? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी बैंक ऑफ बड़ौदा। दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा जो है वो शीर्ष पर रहा है वित्त मंत्री द्वारा जारी ईज 2.0 इंडेक्स में। दोस्तों चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने ईज एजेंडा के तहत ईज 2.0 इंडेक्स परिणाम जारी किए हैं। सरकारी बैंकों ने ईज 2.0 सुधार एजेंडे की शुरुआत के बाद से अच्छे प्रदर्शन किया और ईज 2.1 के मुकाबले 100 में से 67.4 अंक हासिल किए हैं। ईज 2.0 इंडेक्स परिणामों में शीर्ष बैंक है दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा, उसके बाद SBI, उसके बाद भूतपूर्व ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। ईज 2.0 इंडेक्स के आधार पर शीर्ष सुधार श्रेणी का बैंक है दोस्तों बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, भूतपूर्व कॉरपोरेशन बैंक। चलिए दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा जिसका MD एंड CEO है संजीव चड्डा, हेडक्वार्टर है अलकापुरी वडोदरा गुजरात में और टैगलाइन है इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। चलिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र देख लेते हैं, जिसका MD एंड CEO AS राजीव, हेडक्वार्टर पुणे महाराष्ट्र में, टैगलाइन वन फैमिली वन बैंक। दोस्तों SBI के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में ही। SBI के चेयरमैन है रजनीश कुमार, स्थापना हुआ था 1 जुलाई 1955 को। दोस्तों आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9वां है, हाल ही में दक्षिण भारत की पहली किसान रेल को अनंतपुर से कहां के लिए रवाना किया गया? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी दिल्ली के लिए। दोस्तों अनंतपुर है जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है दोस्तों, और आंध्र प्रदेश से दक्षिण भारत की पहली किसान रेल को अनंतपुर आंध्र प्रदेश से दिल्ली के लिए रवाना किया गया। दोस्तों चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री जो कि हमारे नरेंद्र सिंह तोमर हैं दोस्तों, उन्होंने अनंतपुर आंध्र प्रदेश और नई दिल्ली के बीच दक्षिण भारत की पहली और देश की दूसरी किसान रेल को हरी झंडी दिखाई। यह किसान रेल 40 घंटे में 2150 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। पहली किसान रेल महाराष्ट्र में देवलाली और बिहार के दानापुर के बीच चली थी। दोस्तों मैंने आपको एक क्वेश्चन भी दिया था दोस्तों कि महाराष्ट्र से पहली किसान रेल है दोस्तों जो कि महाराष्ट्र में देवलाली और बिहार के दानापुर के बीच चली थी। किसान रेल कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता देने और देश भर के विभिन्न बाजारों में खराब होने वाले कृषि उत्पादों के परिवहन की सुविधा हेतु शुरू की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आगे दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 10वां, हाल ही में आंध्र प्रदेश ने गर्भवती महिलाओं के लिए किस योजना को शुरू की है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दोस्तों, YSR संपूर्ण पोषण योजना। दोस्तों YSR संपूर्ण पोषण योजना को शुरू किए हैं, ये आपके सामने है दोस्तों YSR जगमोहन रेड्डी जो कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। दोस्तों चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं इस योजना के बारे में। आंध्र प्रदेश के CM YS जगमोहन रेड्डी ने गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और बच्चों को पौष्टिक आहार प्रदान करने हेतु दो पोषण योजनाएं YSR संपूर्ण योजना और YSR संपूर्ण पोषण प्लस शुरू की है। YSR संपूर्ण पोषण मैदानी इलाकों में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र, YSR संपूर्ण पोषण प्लस 8320 आदिवासी केंद्रों तक फैले 77 जनजातीय क्षेत्रों में विशेष रूप से पौष्टिक भोजन की आपूर्ति कराएगा। दोस्तों इसका लाभ लगभग 30.16 लाख महिलाओं, माताओं और बच्चों को मिलेगा। तो दोस्तों आंध्र प्रदेश जिसका राजधानी है अमरावती, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री आपके सामने हैं YS जगमोहन रेड्डी और राज्यपाल हैं दोस्तों विश्वभूषण हरिचंदन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 11 है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। हाल ही में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए चेयरमैन कौन बने हैं? दोस्तों नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो है मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। दोस्तों
और इसके नए चेयरमैन कौन बने हैं ये पूछा है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी परेश रावल। दोस्तों ये देखिए आपके सामने है परेश रावल, जिन्हें आप लोग हेरा फेरी फिल्म में कॉमेडी करते हुए देखे होंगे दोस्तों, और इन्हीं को परेश रावल को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। पूर्व लोकसभा सांसद और बॉलीवुड अभिनेता परेश रावल को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। 3 दशकों के करियर की अवधि में रावल को कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिसमें 1994 में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार शामिल है। उन्हें मनोरंजन उद्योग में योगदान के लिए 2014 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अब आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और हाँ दोस्तों, यहाँ जान लीजिए कि अमिताभ बच्चन को 2019 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, जो कि आज का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन प्लेयर्स पोर्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी ए और बी दोनों दोस्तों, यानी भुवनेश्वर कुमार और स्मृति मंधना। ये देखिए आपके सामने है भुवनेश्वर कुमार और स्मृति मंधना दोस्तों, इन दोनों को प्लेयर्स पोर्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट भी जान लेते हैं। फंतासी स्पोर्ट्स गेमिंग प्लेटफॉर्मों प्लेयर्स पोर्ट ने क्रिकेटरों भुवनेश्वर कुमार और स्मृति मंधना को अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में साइन करने की घोषणा की है। प्लेयर्स पोर्ट एक फंतासी स्पोर्ट्स गेमिंग ऐप है जो अपने पर उपयोगकर्ताओं को फंतासी क्रिकेट खेलने की अनुमति देता है। साझेदारी ब्रांड के आगामी अभियानों में क्रिकेटरों को देखेगी और सगाई की गतिविधियों के माध्यम से प्लेयर स्पोर्ट को बढ़ावा देगी। दोस्तों यहाँ विराट कोहली हैं, जिन्हें पीएनबी का जो कि पीएनबी के ब्रांड एम्बेसडर हैं, बीएसएफ के ब्रांड एम्बेसडर हैं, अमेरिकन टूरिस्टर के ब्रांड एम्बेसडर हैं, गूगल डिओ के ब्रांड एम्बेसडर हैं और एमपीएल के ब्रांड एम्बेसडर हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ आपका सारा क्वेश्चन समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों को, फेसबुक ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, जहाँ चाहे वहाँ शेयर जरूर कर दीजिएगा मेरे वीडियो को, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी देख सके। और हाँ दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, क्योंकि इतना मेहनत दोस्तों करता हूँ, आप लोग भी थोड़ा मेहनत कीजिए, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी ग्रो करवाइए दोस्तों। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।